प्रोजेक्ट के बारे में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है फोरेस का, जो सोना के अंदर आ रहा है। और ये काफ़ी टाइम से, तकरीबन ये लगा लो 4-5 महीने पहले से इसकी न्यूज़ थी कि यहाँ पे फोरेस का अफोर्डेबल आ रहा है। और ये प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन है तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बगल में, और आपका जो सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर और फ्लावर के जो फ्लोर के प्रोजेक्ट हैं उसके बगल में ये प्रोजेक्ट आता है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इसकी बस है नहीं है, ये सबके माइंड में आता है ये सवाल। तो दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि TCP जो ड्रॉ करता है क्या वो फेयर हुआ है? आपको पता होता है कि जो लिस्ट होती है वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होती है? क्या आपको पता होता है कि जो ड्रॉ के अंदर आपका एप्लीकेशन गया है वो सच में उस ड्रॉ के अंदर डला हुआ है या नहीं डला हुआ है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का। एक नया अफोर्डेबल है वो आ चुका है। आज हम बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल प्रॉपर तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, जिसके अंदर हम साइट लोकेशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन होगी, उसके अंदर फिर जो लाइसेंस है कहाँ पे टावर आने हैं, किस हिसाब से आने, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल को हम वहाँ पे समझने वाले हैं, और आप भी जानते हैं। और हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर जो एफिडेविट होता है, यानी थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस की एफिडेविट, उनकी वीडियो प्रॉपर चैनल में डली हुई है, आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि कौन थर्ड प्रेफरेंस की एफिडेविट भर सकता है, किस तरीके से भरनी है, और फोर्थ प्रेफरेंस की एफिडेविट किन लोगों को भरनी है, ये सारी चीज़ें आपको चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। कंप्लीट एजुकेशन वीडियो आपको चैनल में देखने को मिलेंगी, उनको ज़रूर देख लेना एक बार। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है फोरेस का, जो सोना के अंदर आ रहा है। और ये काफ़ी टाइम से, तकरीबन ये लगा लो 4-5 महीने पहले से इसकी न्यूज़ थी कि यहाँ पे फोरेस का अफोर्डेबल आ रहा है, लेकिन आते आते काफ़ी डिले हो गया। अगर वैसे इसका लाइसेंस चेक किया जाए तो 2023 के अंदर इसका लाइसेंस मिल चुका था। अब इसका रेरा भी रिसीव्ड हो चुका है। तो इसके अंदर लैंड पार्सल तकरीबन देखें तो 7 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल आता है, लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि इसके ऊपर से ना हाई एक्सटेंशन वायर आती है। और ये प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन है तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बगल में, और आपका जो सिग्नेचर ग्लोबल के जो फ्लोर और ROF के जो प्लॉट के प्रोजेक्ट हैं उसके बगल में ये प्रोजेक्ट आता है। इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस है वो कर लेते हैं अफोर्डेबल के रिगार्डिंग में। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इसकी वर्थ है नहीं है, ये सबके माइंड में आता है ये सवाल। क्योंकि अभी पीछे रिसेंटली एडोर के अंदर भी काफ़ी लोगों ने भरा होगा, या सिग्नेचर ग्लोबल जो 89 के अंदर इन्होंने जो टावर लॉन्च किया था उसके अंदर भी लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशन है वो भरे हुए हैं। तो सिग्नेचर का ना ड्रॉ होना था, बट ड्रॉ हुआ नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि TCP जो ड्रॉ करता है क्या वो फेयर हुआ है? आपको पता होता है कि जो लिस्ट होती है वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होती है? क्या आपको पता होता है कि जो ड्रॉ के अंदर आपका एप्लीकेशन गया है वो सच में उस ड्रो के अंदर डला हुआ है या नहीं डला हुआ है? दोस्तों, इस चीज़ का किसी को नहीं पता होता। इससे अच्छा तो जो पहले जब ड्रो होते थे, कम से कम सामने तो पर्ची उठाई जाती थी, हमें ये तसल्ली तो होती थी कि हाँ भाई उसके सामने ही हमारा जो लिस्ट में नाम है या नहीं है। अब तो डायरेक्ट आपकी विनर लिस्ट और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो सिर्फ अपलोड हो जाती है, ये नहीं पता होता कैसे क्या निकलता है, क्योंकि उसका कोई लाइव ऐसा कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो उसमें सिर्फ एक एक्सेल शीट है, उसको अपलोड कर दिया जाता है। और अभी जैसे जो डेट TCP के ऊपर या रेरा के ऊपर जो डेट दी जाती है उसके अंदर जो डेट होती है एक्चुअल उस डेट को ड्रॉ होता ही नहीं है। अभी देख लो सिग्नेचर के का जो ड्रॉ होना था उससे आगे की डेट आ चुकी है, बट अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि एक्चुअल डेट क्या आने वाली है, क्योंकि फिर से चीज़ें बदल जाती हैं। तो TCP को ये सोचना चाहिए भाई, या तो आप डेट हो सकता है 15 दिन वैसे ही आगे बढ़ा दो, बट जो डेट दे रहे हैं एग्जैक्ट उसके ऊपर भी तो जो ड्रॉ है वो हो जाना चाहिए ना, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई उस तारीख के आसपास का मेरा जो ड्रॉ है वो हो जाए, ताकि फंडिंग का इधर उधर वो मैनेज कर सकें। और अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर तो जो चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब भाई ऑलरेडी प्रॉपर्टी भी खरीद के बैठे हैं फिर भी अफोर्डेबल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को मिस गाइड किया जा रहा है कि हाँ जी आप अफोर्डेबल है वो ख़रीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी है ऑलरेडी वो ख़रीद सकते हैं बेचने के चक्कर में। लेकिन नुकसान दोस्तों आप लोगों का ही है, सोच समझ के खरीदना, अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी है उसको अच्छी तरीके से रीड करना,
और हमने जो दो एफिडेविट आप लोगों के लिए बनाई है ना, उसी में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं, वैसे अफोर्डेबल फील कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो दो दो तीन तीन अफोर्डेबल लेके बैठे हैं, ऐसा मत करो क्योंकि फंस जाओगे। और आज आपके माइंड में जो डाउट ये है कि भाई हाँ ले ले इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी नहीं होगी, तो एक बात ये भी सोच के देख लो कि क्या इस रेट के अंदर कुछ मिलता है आपको, क्योंकि यही है जो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप ले भी तो अफोर्डेबल ही रहेगी, हमेशा अफोर्डेबल ही रहेगा, लग्जरी के कंसेप्ट में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है कि जो अफोर्डेबल रेडी टू मूव हो चुके हैं उसमें कार पार्किंग आपको भारी मिलती है। बहुत कम ऐसे अफोर्डेबल हैं जिसके अंदर अभी कार पार्किंग का पेड सिस्टम हो वो शुरू हो चुका है, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। तो इसके अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो देखो है नहीं, बट ये है कि लॉन्ग टाइम की है, आपको 5 साल तक अपनी फंडिंग उसको होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा अमाउंट है, थोड़े से अमाउंट के ऊपर आप भाई 10% पेमेंट देके आप बैंक लोन करवा लो तो बैंक लोन आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज इतने बजट में तो कोई GPA वगैरह के प्लॉट मिलते हैं, जैसे कि अगर गुड़गांव से सोना रोड की तरफ जाएंगे, जैसे बोंडसी मारुति कुंज, यहाँ पे GPA पर प्लॉट मिलते हैं, बट इनके ऊपर कोई रजिस्ट्री नहीं है और ना ही यहाँ पे बैंक लोन हो जाता है इतना आसानी से, और पता भी नहीं चलता कि वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। तो अफोर्डेबल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास सिर्फ अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करने का ही पैसा है और आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो डेवलपर हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा का भी आता है, और मैनेजमेंट कोटा के अंदर पैसे हैं भरमार जाते हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा है वो मांग रहे, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा डेवलपर के हक में दिया गया है, वो अपने रेट में बेच सकता है। तो आप अपना बजट देख लिए कि क्या उस बजट के अंदर वो चीज़ें खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते, डेवलपर तो बेचेगा भाई, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। उस आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया, आप उसके तहत जाके आप ड्रो के अंदर अपना एप्लीकेशन डालो। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, क्योंकि 5% मैनेजमेंट कोटा डेवलपर के हक में होता है, बाकी 95% जो कोटा है वो आम जनता के हक में होता है। तो आप 95 के तहत जाके वो करें, और ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं भी भाई जो बैल्कनी है नीचे वो बैल्कनी काफ़ी बड़ी होती है, जैसे मैनेजमेंट कोटा ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं, आपने देखा होगा जिसमें 500 स्क्वायर फीट की 600 स्क्वायर फीट की बैल्कनी, उनका कोई यूज नहीं है दोस्तों, पूरे टावर का कूड़ा करकट आपकी बैल्कनी में ही आके गिरेगा। इससे अच्छा सबसे जो बेस्ट है वो नॉर्मल यूनिट होती है। तो आप ऐसे चक्कर में मत जाना कि भाई 600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है और उसके अंदर 600 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है तो 1200-1300 स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिलता है। जो बैल्कनी है, बैल्कनी में आप कुछ बना नहीं सकते। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेडी टू मूव भी हो चुके हैं, तो उनकी बैल्कनी जाके आप चेक कर लेना। जैसे सोना में चक्कर लगे तो HCBS का स्पोर्ट्स विले वहाँ पे प्रोडक्ट है, सेक्टर 35 और 2 के डिवाइडिंग पे, वहाँ पे शायद फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी बड़ी बैल्कनी है, तो आप जाके देख लेना कितना कूड़ा करकट वहाँ पड़ता है और बंदर आते हैं भाई वहाँ। बाकी पे तो नहीं चढ़ पाते बट उसके ऊपर बंदर बैठे रहते हैं, क्योंकि मेरा एक दिन वहाँ जाना हुआ था किसी काम से, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे जो मैंने रिव्यू देखा पूरा बिल्डिंग का कूड़ा करकट जाके नीचे ही गिरता है। जब आप किसी टावर में रहते हैं तो जब कुछ डालते हैं तो ज़मीन के ऊपर ही कूड़ा करकट गिरता है ना, क्योंकि वो बैल्कनियाँ बहुत बड़ी हैं, उनका कोई यूज नहीं दोस्तों। मैं कहता हूँ फालतू का पैसा मत ही वेस्ट करना, इससे अच्छा है थोड़ा ऊपर लेना, ऊपर ही वो करना, कोई बड़े बैल्कनी वाले चक्कर में मत फंसना, कोई यूज नहीं है उसमें। आप साफ सफाई करते हुए पागल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल सब वर्किंग होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता है कुछ भी चीज़ें ऐसे करने का। तो ये ध्यान रखना है कहीं इस तरह की चीज़ें, भाई बड़ी बड़ी बैल्कनी है तो मैं मैनेजमेंट कोटा की फर्स्ट फ्लोर की यूनिट ले लूँ, आप इतने परेशान हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर कि आप कूड़ा करकट ही उसमें वो कर ले, हो सकता है आप उसको बेच के कोई दूसरा फ्लैट ले लें, क्योंकि ऐसा हो रहा है और वो बिक भी नहीं रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि वो बिक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग, क्योंकि जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के बाद ही बेचेंगे 5 साल के बाद, जब उसकी पोजीशन हो जाएगी तभी आप कोई आएगा उसको लेने, तो फ्लैट को देखेगा ना, तो देखेगा तो हालत भाई सारी चीज़ें आइडिया लगाए जाते हैं कि कैसे क्या है, वो रिव्यू लेता है सोसाइटी के अंदर और पूछता है, तब जाके आप चीज़ें को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो नॉर्मल फ्लैट सबसे बेटर होता है, उसी को ट्राई करें, कोई मैनेजमेंट कोटा के अंदर में जाके अपना पैसा बर्बाद मत करना। हाँ, मैनेजमेंट कोटा आपको अगर ऊपर मिलता है, अच्छे उस पर मिलता है,
तो आप ट्राई कर लेना। बट ये बेल्कनी वाला झंझट छोड़ो, अगर सबकी बेल्कनी सेम है तो आप कोई भी ले लो, लेकिन उसकी बेल्कनी ही सबसे अलग है जो कि पूरे टावर के का पूरा सारा सिस्टम नीचे ही आके गिरना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना और चीज़ों को समझ के ही लेना और अप्लाई कर लेना, क्योंकि आजकल अफोर्डेबल बड़े गिने चुने आ रहे हैं, निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे रेट के अंदर ऐसी वैलिड प्रॉपर्टी नहीं मिलती है आज के समय में। एक समय ऐसा था कि भरमार अफोर्डेबल थे भाई, उसमें निकल गया उसको कैंसिल कर दिया, उसमें लगा दिया उसमें कैंसिल कर दिया उसमें लगा लिया, तो रेट भी बढ़े हुए हैं। तकरीबन 3 BHK की कोस्टिंग 34-35 के आसपास मिलती है, तो कहाँ मिलती है ऐसे, कहीं भी नहीं मिलती भाई। आप अप्लाई कर लेना, अच्छी यूनिट है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका लेआउट, इसके डिज़ाइन, लाइसेंस, साइट लेआउट कैसी साइट है, आसपास का व्यू कैसा दिखता है ड्रोन शूट से दिखाऊंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट प्रोजेक्ट को समझा था बोर्ड के ऊपर, आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू।